डियर फ्रेंड्स, यहाँ पूरे छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग का काम किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें फाइबर मेश लगा के छोड़ा गया सूखने के लिए। मात्र एक यही तरीका है दोस्तों, जिससे लंबे समय तक आपके घर में सीलन नहीं बनेगा और जो छत है वो भी नया बना रहेगा। तो जब भी आप वाटरप्रूफिंग के बारे में सोचते हैं कराने के लिए, तो आपको ऐसे ही काम कराना जैसे कि वीडियो में दिखा रहा हूँ। अन्यथा इसके अलावा बहुत सारे वर्क होते हैं बाजार में, बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारे मिस्त्री कारीगर हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग फार्मूला होता है। लेकिन मैंने अक्सर एक चीज़ देखा है कि जब भी काम हो जाता है तो काम होने के बाद पपड़ी वगैरह निकलने लगता है और फिर वाटरप्रूफ पूरा निकल जाता है, वाटरप्रूफ खराब हो जाता है, जिससे आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पैसे का नुकसान होता है। तो वाटरप्रूफिंग जब भी कराने के लिए सोच रहे हो तो आपको ऐसे ही काम कराना है। इसमें आपको बता दूँ मैं क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले इसमें जो है पूरे छत को क्लीन की गई है। क्लीन करने के बाद पॉलीमर सीमेंट को मिक्स करके पेस्टिंग किया गया, उसके बाद लिक्विड रबर से फाइबर लगाया गया है, इसके बाद फाइनल कोटिंग कर दी जाएगी। फाइनल कोटिंग होने के बाद, फाइनल कोटिंग जो होती है जो लास्ट में कोटिंग किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि ऊपर आपके क्या करना है। जैसे कई बार वाटरप्रूफिंग करके ऐसे छोड़ देते हैं, कई बार उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं और कई बार टाइल्स वगैरह लगा देते हैं। तो लास्ट की कोटिंग यहाँ पे जो है इसको ऐसे ही छोड़ना था, तो इसको ऊपर जो है फिर पॉलीमर का कोटिंग करके सीमेंट वगैरह को मिक्स करके इसको छोड़ दिया जाएगा। सूखने के बाद ये एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा और फिर ये पपड़ी बन के निकलेगा नहीं। इसलिए नहीं निकलेगा कि फाइबर मेश लगाया गया है। जहाँ भी फाइबर मेश लगने के बाद अगर ऐसा काम हो जाएगा तो फिर पपड़ी बन के नहीं निकलेगा और लंबे समय तक आपका छत भी नया बना रहेगा। लोग अक्सर कई बार गलती कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा पैसा नुकसान हो जाता है और वाटरप्रूफिंग भी फेल हो जाती है। फिर मार्केट में चल के वैसे ही जिनका ख़राब हुआ होता है वो लोग बोलते हैं कि वाटरप्रूफिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर बढ़िया से काम कर दिया जाए तो सीलन रोकने का सबसे ये बेहतरीन तरीका